जो है हेलमेट लिए रिहायशी चौराहे नुमाइश चौराहे पर खड़े हुए हैं, जहां पर आज यातायात माह शुरू होने के बाद यहां की ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान छेड़ा है, जिसमें लोगों को जो है पर्चे बांटकर उनको जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं प्रोजेक्टर के माध्यम से तरह तरह की वीडियोज भी दिखाई जा रही है, जिससे की लोग यातायात के प्रति जागरूक हो। आइए बात करते हैं यहाँ के TI से कि उन्होंने इस बार यातायात माह में क्या रणनीतियां तैयार की हैं और किस तरह से वो लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करेंगे। बताइए क्या आप लोगों ने रणनीति तैयार की है, क्या आप लोग? मैं पहली तारीख से यातायात माह का शुभारंभ किया है और मैं 3 सवारी बिना हेलमेट बिना ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के लोगों को हिदायत दिया है कि बिना जब तक आप लोग बालिग ना हो जाएं तब तक गाड़ी ना चलाएं। अपने माता पिता को भी बताएं कि आप हेलमेट धारण करके चलें, नहीं तो मैं आपकी गाड़ियों पे नहीं बैठूंगा और तमाम प्रकार होंगे ही होंगे। अच्छा ये बताइए कि हमेशा की तरह जो है ट्रैफिक पुलिस ने इस बार चालान ना काटकर लोगों को रोक के समझाया है, तो इस बार क्या आप लोगों ने लोगों को जो है बताया है? जैसे अभी एक मिनट भाई साहब, आपने अभी हेलमेट नहीं लगाया था तो क्या आपका चालान काटा गया या फिर आपको किस तरीके से आज समझाया गया है? समझाया है। तो अब क्या लगता है आगे से आप हेलमेट लगा के चलेंगे कि? दूसरी चीज़ ये है कि और क्या समस्याएं आपके आड़े आती हैं यहाँ पर ट्रैफिक? समस्याएं बहुत आती हैं। कुछ लोग जो है अपना बाहुली का प्रयोग करते हैं कि उनसे आप बात कर लीजिए, हमारे फला हैं, हमारे सांसद विधायक हैं, इनसे बात कर लीजिए। कुछ लोग हैं सम्भ्रांत व्यक्ति हैं जो समझाने में समझ जाते हैं और कुछ लोग हैं नहीं मानते हैं, उनका चालान काटा जाता है। जो इस तरह के तमाम प्रकार के हमारे साथ कमियां हैं आती है। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बल जो है वो बड़ी कम संख्या में तैनात है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और कितने यहाँ पे होने चाहिए? अब हमारे पास तो पर्याप्त फोर्स है। अब कुछ VIP कार्यक्रम में जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कुंभ मेला है, जैसे VIP कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए जो है थोड़ा बढ़ जाते हैं और बकिया बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, यातायात नियम का पालन किया जा रहा है। जैसे आज ही जो है कई सिपाहियों की ड्यूटी लगी है बाहर, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही है इस वजह से या नहीं? समस्याओं का निदान किया जाएगा और VIP कार्यक्रम को हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऊपर से आदेश आता है, इसलिए उसमें हम कोई व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। जैसा कि आपने जाना कि कुछ इस तरीके से हरदोई की जनता को यातायात के जागरूक करने का काम यहाँ की ट्रैफिक पुलिस कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस की संख्या भले ही यहाँ पर कम हो, मगर यहाँ की ट्रैफिक पुलिस में लोगों को जागरूक करने की लगन बरकरार है। हरदोई से TTV के लिए आकाश शुक्ला।